दोस्तों, अब हम ये सच में डरावनी जगह है, देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे सिर्फ चमगादड़ों के शोर हैं, उसके अलावा और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वो गलियारा है जो सीधे वहाँ बाहर खुलता है, देख सकते हैं आप। मतलब अगर मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो तो सच में क्या ही लोकेशन होगी। सीधी इस गुंबद से रोशनी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे से खंड बने हुए जिनमें शायद लोग किसी ज़माने में बैठा करते थे, अपने डिस्कशन हुआ करते थे उनके। और सिर्फ रोशनी की कितनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था इन्होंने की हुई है। ये एक और वैसा का वैसे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं चंदेरी के राजा रानी महल में। देख सकते हैं आप इसको, कितना खूबसूरत ये महल है। और इसके चारों ओर भी यहाँ पे देखिए किले ही किले बने हुए हैं। नॉर्मल ये घर जैसे हैं पर सब पुराने ज़माने के डिज़ाइन यहाँ पे बनी हुई है। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये लाइन से जो बने हुए हैं जैन मंदिर हैं। और यहाँ से हमें चंदेरी का जो कीर्ति दुर्ग है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और जो स्त्री मूवी की शूटिंग थी वो इसी किले में की गई थी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर यहीं पर आए थे। और बेहद ही खूबसूरत ये किला यहाँ पे बना हुआ है और आज भी उसी हालात में है जिस जैसा ये पुराने टाइम में हुआ करता था। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पत्थरों पे बना हुआ ये पूरा का पूरा मंदिर है। तो ये हमारे चंदेरी यात्रा का एक और पार्ट है। अभी हम नीचे जाएंगे यहाँ पे और नीचे जाके हम देखेंगे कि नीचे से इसका जो दृश्य है वो कैसा दिखता है। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी। और अभी इस पूरे किले के अंदर सिर्फ मैं और मेरा दोस्त, हम दो ही लोग हैं। बाकी इस पूरे फोर्ट में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। देखिएगा क्या सीन है अंदर का। और ये चमगादड़ गई हमें देख के अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, चमगादड़ भी उठी नहीं है, हमने इन्हें आके उठाया है। तो ये किले के नीचे का नज़ारा है और ये देख सकते हैं आप पूरा महल यहाँ से कितना खूबसूरत दिखता है। महल हालांकि कई जगहों से टूट भी गया है और कई जगहों से महल अभी भी अपने पुराने जो उसका अंदाज है उसी रूप में अभी भी बरकरार है। देखिए जो कुछ लोग आते हैं उनके कुछ सामान यहाँ पे बिखरे हुए पड़े हैं। उसके अलावा ये पूरा महल का प्रांगण है और ये एक मंच जैसा बना हुआ है कुछ इस महल में। बीच में शायद हो सकता है राजा रानी जब कुछ नृत्य वगैरह देखने का मन होता होगा तो यहाँ इसका वो उपयोग करते होंगे। और ये महल का एक और कक्ष है जो उससे लगा हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल एकदम छोटा सा कक्ष है, शायद स्टोर रूम हो ये उनका, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखिए आप, ये प्रांगण बना हुआ है महल का। देखते हैं अभी ये पूरी लंबी लाइन है, इसमें हम जाएंगे। और ये नीचे का सीन है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। पूरा किला देखिए, तीन मंजिला किला है ये, ठीक है। और पूरे किले में सिर्फ हम दोनों हैं, हमारे अलावा इस पूरे किले में अभी कोई भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ये बना हुआ है नीचे से। दोस्तों आप ये देख सकते हैं किले के अंदर का सीन। और ये पूरे किले में आप देख सकते हैं अंदर दिन के टाइम भी कितना अंधेरा है, ठीक है। इसीलिए शायद ज़्यादा लोग यहाँ आ भी नहीं रहे होंगे। और ये देखिए पूरा तीन मंजिला यहाँ पे पूरा किला बना हुआ है। और ये अंदर का सीन है और ये शायद कुएं के पीने की पानी की सुविधा करने के लिए यहाँ पे बावड़ी बनी हुई है। और ये पुराने ज़माने के तहखाने यहाँ पे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं क्या बावड़ी बनी हुई है ये। और बावड़ी के अंदर अभी भी पानी है, देख सकते हैं आप। ये पुरानी बावड़ी हैं जो राजा रानियों ने अपने लिए बनवाई होंगी और इसमें अभी भी पानी है, देख सकते हैं हम कितनी खूबसूरत है। और एक बावड़ी यहाँ पर भी है, इस बावड़ी को भी हम आपको दिखाएंगे। एक बावड़ी यहाँ पर भी है और इसको भी आप देख सकते हैं, जो कि अभी तो बहुत बुरी हालत में है ये वाली बावड़ी, पर ये भी किसी ज़माने में बावड़ी है। पानी हालांकि इसमें भी है और पुराने ज़माने की है ये भी, उसी टाइम की। और साथियों महल के अंदर का नज़ारा है, देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे ये महल के अंदर एक दरवाज़ा लगा हुआ है और इस पूरे महल में एकदम शांत वातावरण है। हमारे अलावा पूरे महल में भी
कोई भी नहीं है यहाँ पे, देखते हैं किसी की मज़ार बनी हुई है। और इसके पीछे जो ये इस तरह के जो ये घर दिख रहे हैं, यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं इन घरों में। और ये देखिए कुछ बना हुआ है, यहाँ पे भी हम चलते हैं। अगर आप चंदेरी आते हैं तो राजा रानी महल आप ज़रूर आएँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है राजा रानी महल। ये देखिए इस महल के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे कुछ बना हुआ था, मतलब चंदेरी के जो राजा और जो रानी थे वो इस महल में रहा करते थे। वैसे तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, पर यहाँ का जो सीन है वो देखने लायक है। मैं आपको यहाँ से एक और किला दिखाता हूँ जो यहीं से दिखता है, देखिए आप लोग शायद देख पा रहे होंगे उस किले को। उसका जो दरवाज़ा है वो यहाँ से, ये देखिए उसका जो दरवाज़ा है यहाँ से, पर वो पूरी तरह से टूट चुका है, एकदम ध्वस्त हो चुका है वो किला। और ये सुरक्षित हालात में है इसीलिए इसको टूरिस्टों के लिए खोला गया है, पर ये संडे को ऑफ रहता है, हमारी रिक्वेस्ट पे खोला गया है ये स्पेशली। दोस्तों ये महल के अंदर की इमारतें हैं, देखिए आप इनको और कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। देखिए इसका गुंबद, आप ये इसका गुंबद है जिससे कि सीधी रोशनी आती, ताकि अभी यहाँ पे बिल्कुल लाइट का कोई सोर्स नहीं है, फिर भी इस गुंबद से यहाँ पे रोशनी आ रही है। देखिए आप इस गुंबद को देख सकते हैं, सीधी इस गुंबद से रोशनी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे ऐसे खंड बने हुए जिनमें शायद लोग किसी ज़माने में बैठा करते थे, अपने डिस्कशन हुआ करते थे उनके, और सिर्फ रोशनी की कितनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था इन्होंने की हुई है। ये एक और वैसा का वैसे यहाँ पे बना हुआ है और इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही की वही कारीगरी इसमें भी की गई है, देख सकते हैं आप इसको। और इसमें भी वही की वही व्यवस्था है, सीधे गुंबद से रोशनी का एक उन्होंने होल किया हुआ है, उस होल से सीधी रोशनी यहाँ पे आती है। और ये वो नज़ारा, यहाँ से गेट खुल जाता है, पर ये मुझे नहीं पता ये क्यों बनाया गया था, इसका भी उनका कुछ होगी व्यवस्था। और ये देखिए महल के बाहरी हिस्से में यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद ये महल पूरा यहाँ से अंदर तक है, और यहाँ से देखिए ऊपर 3 मंजिला पूरी इमारत बनी हुई है। दोस्तों ये महल का ही एक हिस्सा है जो कि अभी बहुत जर्जर हालात में है, और बिल्कुल रोशनी नहीं है यहाँ पे, टॉर्च जले मोबाइल की फ्लैश, और देख सकते हैं आप बिल्कुल अंधेरा है और नीचे मिट्टी है और जो कि इन्हीं पत्थरों से खिरखिर के यहाँ पे जमा हुई है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है रोशनी का। बाकी अगर आप अकेले हैं तो मैं परमिशन दूंगा यहाँ तो आप बिल्कुल भी, मतलब मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये सच में डरावनी जगह है। देख सकते हैं आप इसको, यहाँ पे सिर्फ चमगादड़ों के शोर हैं, उसके अलावा और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वो गलियारा है जो सीधे वहाँ बाहर खुलता है, देख सकते हैं आप, मतलब अगर मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो तो सच में क्या ही लोकेशन होगी। देख सकते हैं आप इधर भी गलियारा है, और ये पुराने उनकी कुछ खुदाई में निकली हुई चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है। और ये देखिए आप, इधर तो पूरा कबाड़ जमा हुआ है, ये पुराने फर्नीचर वगैरह हैं। और ये रास्ता जो है दोस्तों, सेकंड फ्लोर है महल का। दोस्तों सेकंड फ्लोर से है शूटिंग, इसको देख सकते हैं आप पूरा महल यहाँ से, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है नीचे का। और ये नीचे ये इमारतें हैं, हालांकि सब जर्जर हालत में है, पर देखने के लिए वाकई काबिले तारीफ यहाँ पे इसकी जो आर्किटेक्ट है, जो डिज़ाइन है, वाकई में देखने लायक है। अब हम जा रहे हैं बिल्कुल तीसरी मंजिल पर, और यहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा पूरे चंदेरी का। ये आप मुझे देख सकते हैं, यहाँ से जो ये फोर्ट आपको दिख रहा है, जो कीर्ति दुर्ग जिसको कहा जाता है, वो इस महल से सीधा यहाँ से दिख जाता है। वो बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई शोर शराबा यहाँ पे नहीं है। ये अंदर के नज़ारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए सिर्फ रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, इसके अलावा यहाँ
माय गॉड, माय गुडनेस।